डिजी लॉकर अकाउंट कैसे बनाएं। आजकल गवर्नमेंट की तरफ से जब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है तो उसकी एक डिजिटल कॉपी डिजी लॉकर के अंदर इशू की जाती है और उसकी वैल्यू ओरिजिनल के जैसे ही होती है। ज़रूरत पड़ने पे आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, किसी के साथ शेयर कर सकते हो और डिजी लॉकर के अंदर आपको आपकी मार्कशीट, डिग्रीज, आपके राशन कार्ड्स, आपके पैन कार्ड्स, जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं डिजी लॉकर के अंदर अवेलेबल होते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट से इशू किए हुए सभी दस्तावेज आपको यहाँ डिजिटल रूप में मिल जाएंगे। तो चलिए बिना लेट करते हुए देखते हैं कि डिजी लॉकर अकाउंट कैसे बनाएं, उसका पूरा प्रोसेस क्या है। और आपको डिजी लॉकर अकाउंट बनाने के लिए आपको आना है प्ले स्टोर के अंदर और यहाँ से आपको सर्च करना है डिजी लॉकर ऐप। जी हाँ गाइस, जैसे सर्च करते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होता है और आपको यही ऐप को कर लेना होगा डाउनलोड, अगर आपने डाउनलोड करके नहीं रखा है तो। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करते हो फ्यू सेकंड के अंदर आपका ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाता है और मेरा 5G इंटरनेट है तो काफ़ी फास्ट तरीके से ये इंस्टॉल भी हो जाता है। एंड हम वेट करते हैं फ्यू सेकंड, उसके बाद ये जो भी परमिशंस मांगता है हम इसको ओपन करके अलाउ करेंगे। और हमने ओपन किया, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आया, हम यहाँ पे वेट करेंगे फ्यू सेकंड, उसके बाद ये पूछेगा कि आप इस ऐप की लैंग्वेज क्या रखना चाहते हो। तो आप जो भी लैंग्वेज रखना चाहते हो उसको आप सिंपली से सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ इंग्लिश को सेलेक्ट किया, फिर आगे करूँगा नेक्स्ट पे। फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, ये देता है कि आपका जो डाटा है वो सिक्योर है, ईजी एक्सेस है एंड आप उसे ईजी से एक्सेस कर सकते हो कभी भी, किसी भी टाइम, कहीं पर भी। एंड आगे बढ़ जाना है आपको, फिर इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा और यहाँ पे आपको देख सकते हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट के होते हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि आप उन्हें वैक्सीन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, गवर्नमेंट की और जो वेबसाइट या साइट्स हैं जहाँ पर आपने अप्लाई कर रखा, आपके गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, उन्हें आप एक्सेस कर पाओगे इजी वे में। तो अब हम इसे यहाँ पर आए हैं अकाउंट बनाने के लिए, तो हम यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आपको साइन इन क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको साइन इन पे नहीं क्लिक करना है क्योंकि आपका अकाउंट पहले से बना नहीं है। अगर बना है पहले से तो साइन इन पे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हो, नहीं बना है तो आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। और जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होता है। यहाँ पे आपसे फर्स्टली आपसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, फुल आपने अपना ओरिजिनल नाम लिखना है जो आधार कार्ड पर हो, तो आपको यहाँ पर अपना नाम डाल देना है। एंड नाम डाल देने के बाद गाइस आपसे पूछता है आपका डेट ऑफ बर्थ, आपको सब कुछ एकदम प्रॉपर सही इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करनी है, अपनी सही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे चूज करके डाल देनी है जो आधार कार्ड पे हो। एंड उसके बाद आपको नीचे यहाँ से आपका जेंडर पूछता है, तो आपको अपने जेंडर को, जो भी आपका जेंडर है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। देन आपसे यह पूछता है एक फ़ोन नंबर जो आपके आधार कार्ड में लगा होना चाहिए, वही आप फ़ोन नंबर यहाँ पर लगा सकते हैं, तो वो फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर लगा देना है। देन उसके बाद ये आपसे पूछता है आपकी एक ईमेल आईडी, तो आप अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लगा देना। देन उसके बाद आपको एक पिन जनरेट करने के लिए बोलेगा, ये पिन आपको जो जनरेट करना है वो 5-6 अंक का जो होगा, 6 अंक का, उसको जनरेट करिएगा, आप उसको याद रखिएगा क्योंकि वो लॉगिन करते टाइम आपको काम आएगा, तो आप उसे जनरेट कर लीजिए। एंड उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजी लॉकर ने आपके नंबर पर ओटीपी भेज दिया है और आप उस ओटीपी को आप यहाँ पर वेरीफाई करा लेना है और ओटीपी हमारी आ चुकी है तो हम इसी ओटीपी को यहाँ पे फिल करके वेरीफाई करा लेते हैं। सो जैसे हमने वेरीफाई कराया हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ गया, वेरीफाई योर आधार, तो आपका जो आधार नंबर है आपको यहाँ पर अच्छे से प्रॉपर तरीके से फिल करना है अपने आधार नंबर को, गलत बिल्कुल मत लिखना। आधार कार्ड का नंबर जैसे आप डालकर नेक्स्ट पे क्लिक करते हो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होता है और यहाँ पर आपके आधार कार्ड से जो नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगी, वेरीफिकेशन कोड, आपको वही OTP को यहाँ पर फिल करना होगा। तो आप यहां पर जैसे ही उस OTP को फिल करते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होता है और आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो इसके टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होंगे आप इसे पढ़ लेना एंड देन सबमिट पे आपको क्लिक कर देना।
और जैसे ही आप अपने OTP को डाल के सबमिट करते हो आपका अकाउंट देख सकते हैं ऑलरेडी एग्जिट। मैंने पहले से अकाउंट बना रखा था तो इसलिए एग्जिट बता रहा है, तो आप भी इस तरीके से अपने अकाउंट को बना सकते हो। और देन आप लॉग इन पे या साइन इन पे क्लिक करके आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। मोबाइल नंबर से, यूज़र नेम, आधार कार्ड से आप किसी से भी साइन अप कर सकते हो। तो हमने अकाउंट बनाया, तो हम यहाँ से अपने उस फ़ोन नंबर को डालेंगे जो हमने अभी डाला क्रिएट करते टाइम। देन उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का आ जाएगा इंटर। फिर अपने नाम पे आपको सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपको जो अपने पिन मैंने आपसे बताया था, आपने जो पिन बनाया था वो पिन को आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे डाल कर आप वो पिन को साइन इन पे क्लिक करते हो आप लॉग इन हो जाते हैं डिजी लॉकर ऐप के अंदर। और यहाँ पे जो भी परमिशन ये मांगता है आपको सिंपली से अलाउ कर देना होगा। आपके सामने फिर इस प्रकार का इंटरफेस शो होता है और आप यहाँ पे लॉग इन हो चुके हैं। आप अपने किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को यहाँ से उसको डाउनलोड और शेयर कर सकते हो। आपकी प्रोफाइल बन चुकी है, अब आप इसमें जो भी करना चाहो कर सकते हो। अपनी अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके भी रख सकते हो एंड उसे गवर्नमेंट साइट से डाउनलोड और शेयर भी कर सकते हो और उसकी PDF भी बना सकते हो, जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिजी लॉकर अकाउंट कैसे बनाएं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।